मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले के कई प्रखंडों व कई गाँव में बाढ़ से लोग त्राहिमाम करते नजर आ रहे हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इन दिनों बाढ़ की पानी के चपेट में बुरी तरह से घिरा हुआ है। दिन प्रतिदिन लगातार पानी में बढ़ोतरी को देखते हुए ग्रामीणों में काफी भय बना हुआ है। लोग काफी सहमे हुए हैं। वही गांव की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में करीब 800 घरों के लोग बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिम्मेवार बताया और इसे प्राकृतिक आपदा कहा। कुछ लोग नेपाल को भी दोषी ठहरा रहे हैं कि उसने पानी छोड़ दिया। नदियों को मोड़ने के लिए बनाए गए तटबंधों और सुरक्षा बांधों को भी लोग बाढ़ के लिए जिम्मेवार मान रहे हैं। बिहार में बाढ़ जैसे हालात लगभग हर साल बनते हैं, लेकिन तबाही तब मचती है जब कोई बांध टूट जाता है। 2008 की कुशहा त्रासदी को भला कौन भुला सकता है। उसके पहले भी जितनी बार बिहार में बाढ़ की विभीषिका को झेला है, उसके कारण बांधों का टूटना रहा है। इस बार की तबाही का एक कारण कई जगहों से तटबंधों का टूटना ही है। जैसे ही कोई तटबंध टूटता है तो पानी इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि लोगों को संभलने का वक्त भी नहीं मिल पाता। वही बगल में लाशों को भी जलाया जा रहा है। बांधने का प्रयास, नेपाल से आई नदियों का पानी और राहत बचाव कार्य में सिस्टम की सुस्ती समेत इसके तमाम कारण हो सकते हैं। लेकिन सरकार से जवाब मांगने पर सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, बिहार में आई बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। तो दीजिए हमें इजाजत, लेकिन हर खबर को YouTube पर सब्सक्राइब कर और शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।